हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में। काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही है आपकी इसके लिए। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट क्या होता है, पोस्ट क्या होती है, कितने साल का कोर्स है ये, और फीस इसमें लगभग कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अगर क्लिक कर लेते हैं तो ऐसे ही न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। समझते हैं, जो डेंटल हाइजीनिस्ट है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, और रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड कोर्स है, डिप्लोमा का कोर्स है। इसका फोकस क्या रहता है कोर्स का, इसकी हम थोड़ा सा बात करें तो इसमें जो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री है, इजी करके भी हम समझते जाएंगे, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री होती है, मतलब कि जो हमारे टूथ हैं उनको कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे उनको बचा सकते हैं बीमारी से, इस पर फोकस किया जाता है। इसके बाद डेंटल रेडियोलॉजी, एक्सरे में फोकस किया जाता है, एक्सरे भी बताए इस पर जाते हैं आपको। इसके बाद जो पेरिडोंटल डिसीज़ है उनका ट्रीटमेंट आपको बताया जाता है। पेरिडोंटल डिसीज़ मतलब जो गम्स हैं, बोन है, उनके डिसऑर्डर्स। मेन इस पर डेंटल हाइजीन की बात की जाती है, जिसमें स्केलिंग, पॉलिशिंग वगैरह आता है, रूट प्लानिंग मतलब दांतों की जो सफाई होती है, क्लीन कैसे रखना है, ये इसमें आपको बताया जाता है। इसके बाद बेसिक रेस्टोरेशंस इसमें आपको बताया जाता है, जो फोकस इसमें किया जाता है इस प्रोग्राम में, बेसिक रेस्टोरेशंस। रेस्टोरेशंस क्या होते हैं, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो फिलिंग्स वगैरह आपने सुनी होंगी, जो दांतों में मसाला भरना है, और इजी करके हम बात करें तो जो बेसिक रेस्टोरेशंस है, रेस्टोरेशंस भी बहुत एडवांस होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, तो जिनमें बेसिक रेस्टोरेशंस है ये बताए जाते हैं आपको। ड्यूरेशन की बात करें डेंटल हाइजीनिस्ट की, तो 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल डिप्लोमा कोर्स जैसे हम बात कर ही रहे हैं, 2 साल का कंप्लीट कोर्स होता है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 10+2 होना चाहिए, 12वीं, जिसको 12th हम बोलते हैं, और PCB से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका कंपलसरी है। इसके बाद जो एडमिशन प्रोसीजर होता है, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या परसेंटेज बेस में भी होता है, अब ये हर इंस्टीट्यूशन का अलग हो सकता है। मिनिमम 45% जनरली होता है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। अब कंप्लीट होने के बाद कैसे वर्क कर सकते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट, तो जो डेंटल असिस्टेंट के जैसे आप वर्क कर सकते हैं, एज अ मेडिकल असिस्टेंट आप वर्क कर सकते हैं, रेडियोलॉजी थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके जैसे आप वर्क कर सकते हैं, या फिर जो वेटरनरी टेक्नीशियन होते हैं, ऐसे बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप वर्क कर सकते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं, इन सब में हम वर्क कर सकते हैं एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट। अब इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो ये डिफ़र करता है, अलग अलग होता है, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि 20,000 से लेके अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो 5 लाख, 4 से 5 लाख तक का इसका फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, फ़ीस इसकी हो सकती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में। काफ़ी समय से आप, जैसे मैंने बोला, आप पूछ रहे थे, और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, एक वीडियो में कवर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, मुश्किल होता है, आगे हम और भी वीडियो में कवर करेंगे। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।